बुलंदशहर के खुर्जा देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव में ट्यूशन के लिए निकली कक्षा 10 की छात्रा की सड़क से खींचकर हत्या कर शव झाड़ी में फेंक जाने मामले में घटना से मैच कुछ ही घंटे बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। दरअसल आज दोपहर छात्रा घर से ट्यूशन जाने के लिए निकली थी। गांव से कुछ दूरी पर सड़क से खींचकर अचानक रास्ते में उसकी दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। घटना की सूचना पर बुलंदशहर एसएसपी खुद मौके पर पहुंचे और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई। बुलंदशहर एसएसपी संतोष कुमार सिंह भी खुद आरोपी की तलाश कर रहे थे। वहीं घटना के कुछ घंटों बाद ही पुलिस ने खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के थराव गांव के पास के जंगलों में आरोपी की घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए गए आरोपी को अपने साथ थाने ले गए हैं, जबकि पुलिस अब आरोपी से गहन पूछताछ कर हत्याकांड का खुलासा करने का दावा कर रही है। दिनदहाड़े हाई स्कूल की छात्रा की हत्या से आप इतना समझ सकते हैं कि बदमाशों को पुलिस का खौफ नहीं है। मैं लड़की के बाप हमारे भाई हम उनका रामदेव यादव ना हो जी जी हमार हरिंदर यादव ना जी। ये घटना घटल कैसे? घटना 13 बहुन है आज वो समय नहना लेकर के चल रही है। अभी तो आई जब मैंने नहान तो लगे रहे लेकिन वो अपन लेके हेलत हुई सो अब वही में ही घटना हुई। को को लड़की साथ में रही है सो? पाँच ही बुढ़ी। पांच में कितने लोग थे डूबने में? दो। और तीन और डूब रही थी ना? हाँ तो वो तो पकड़ा गई ना। कौन पकड़ा? वहाँ पर जो नहाने वाला लड़का है ऊपर पुल पर ना वही कूद के पकड़े हैं। जहाँ पे स्थान पे घटना घटी स्थान का नाम क्या है? उइया काली मई बनी। कौन सा गांव है? कीर्तिपुर कुंडिया बोला है क्या भाई? मेरा नाम भीम सिंह है। कहाँ के निवासी हैं? तौली। क्या हुआ था, क्या देखा आपने? सर कितने बजे मिला था इनको? मैं उससे करीब पौन घंटे पहले मैं खेत की तरफ जा रहा था। अच्छा। पानी देखने में मुझे दवा लगानी तो ये इस तरी इधर से आया पूरब से और पश्चिम को क्रॉस हो गया दीनौल और बरतौली का जो लिंक रोड है उसे। अच्छा। मुझे क्या पता कौन है कहाँ से, मैं अपने घर चला गया। फिर ये पूरी फोर्स बरतौली पहुँची है, ये वहाँ पूछताछ कर रही है। मेरा मकान मंदिर के पास है। मैंने कहा कि वो लड़का तो मैंने इधर को ज़्यादा देखा है, टी शर्ट पहन रखी है उसने लेकिन चेहरा नहीं दिखा। आपने पहचान लिया यही युवक था? सर लंबाई से टी शर्ट से कपड़ों से यही है, मगर ये कि मैं करीब 100-150 मीटर की दूरी पे था, चेहरा नहीं पहचान था। 12 फीट का रोड है, उसे क्रॉस करने में कई सेकंड लगती है। सुनील कौन सा गाँव? किर्रा। आपकी बहन कौन सी क्लास में पढ़ती है और क्या हादसा हुआ उसके साथ? दसवीं में पढ़ती थी सर, उनकी टेंट भींच के पानी में डाल के गई। कहाँ गई थी आपकी बहन? कोचिंग गई थी। अच्छा। फिर सर बाहर के एक लड़के ने आके बताइए क्या ऐसा सब आता है, बच गए एक लड़की पर मरी पड़ी है। अच्छा। जब जाके देखा तो बहन ही। कौन सी क्लास में पढ़ती है? दसवीं। तो पुलिस को सूचना दे दी आपने? दे दी, पुलिस संग की संग आ गई। तो क्या आशंका है, किसने मारा है, गांव का है, कहां का है? सर ये पता नहीं है, बता तो रहे हैं बाहर के पर पता नहीं चल रही है। में आज एक दसवीं छात्रा की हत्या हुई है, दसवीं क्लास की छात्रा की, सर क्या मिली कामयाबी अब तक क्या हुआ? देखिए जैसे ही हत्या की घटना की सूचना मिली, मैं और हमारी पूरी टीमें अलग अलग सीओ जैसो सब वहां पहुंचे। वहां जाने के बाद पता चला कि लड़का लाल रंग का टी शर्ट और नीचे काले रंग का कोई कपड़ा पहना है, जंगल की तरफ खेतों की तरफ भागा है। हमको लगा कि लगभग आधे घंटे का समय बीत चुका था, तो इतनी देर में 5-6 किलोमीटर गया होगा। उस अनुमान के आधार पर उस दिशा में जो बरतौली गांव था हम वहां पहुंचे, वहां पे एक सज्जन मिले। उन्होंने बताया कि अब से 25-30 मिनट पहले एक लड़का इस हुलिया का सड़क क्रॉस करके वो जंगल जंगल खेतों के रास्ते भागा है। लगातार उस आदमी को साथ लेके अगले गांव में पहुंचे, वहां एक महिला ने इस बात की पुष्टि की। फिर भागते हुए हम लोग बिल्कुल मेन रोड पर आ गए जो खुर्जा चोला रोड है। यहाँ पर PRB वालों ने बताया कि एक लड़का अभी खेत की ओर भागा है, हम लोग पीछा कर रहे हैं। इसके बाद हमारी टीम और हम लोग भाग के खेतों में पहुंचे, जन सहयोग से उस लड़के को जो झाड़ियों में छुपा हुआ था पकड़ लिया गया। सर हत्या का कारण क्या है? अभी तक अब इससे पूछताछ नहीं हो पाई है, अभी इसको ले जाके पूछताछ कर रहे हैं। यद्यपि इसके सीने पे आई लव यू और तमाम लिखा है आशिक टाइप का और थोड़ा आवारा किस्म का लग रहा है, तो फिलहाल इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है, पूछताछ से और बातें स्पष्ट होंगी। ताज़ा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ और हाँ हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।